के शादी के व्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। आज के दिन हमें सुबह 5 बजे ही उठना पड़ गया था रस्म के लिए। अब इन सब में मेरा तो कोई काम नहीं था, लेकिन क्योंकि मैं ब्राइडमेड थी, मुझे ब्राइड के ही साथ अपना नींद त्याग करके सुबह उठना पड़ गया था। आखिर ये सब रिकॉर्ड कौन करता। सारे रस्म की डिटेल्स आपको निधि के चैनल पे मिल जाएंगे। तो बस सारा रस्म कम्प्लीट करने के बाद हमें ये गुड न्यूज मिला कि अब हम घर जाके आराम से सो सकते हैं थोड़ी देर के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेडिंग सीरीज का लास्ट व्लॉग। लास्ट एक्चुअली सेकंड लास्ट है, एक और आने वाला है वीडियो। तो ये है वेडिंग वाला वीडियो। और आज पता नहीं सुबह हम लोग इतना ज्यादा लेट से उठे और अभी भी बहुत सारा काम पेंडिंग चल रहा है। नहीं आ रहे हो तुम लोग? और निधि को ना हम लोग एक्चुअली सोचे थे कि कल ही ब्लाउज ट्राई करवा देंगे। थैंक यू अम्मू। हेलो दीदी, मेरा खाना आ गया। और हम लोग ना सोचे थे निधि को कल ही ब्लाउज। निधि उसके बाद किसी का नंबर नहीं है। हाँ अपना आ सकते हैं। हम लोग सोचे थे कि निधि को कल ही ब्लाउज लिखना है। वही उसी के लिए हम सारा चीज निकालिए। बस चार्ट पेपर है, बड़ी मम्मी आएंगी। हम मम्मी को बोले थे थोड़ा ड्राइंग कर दीजिए, तो हम भी करते हैं। हाँ वही बस बड़ी मम्मी पहले तो हम लोग सोचे थे ना निधि को कल ही ब्लाउज वगैरह सब कुछ पहना से देख लेंगे लूज हो रहा है कि नहीं। बट अब वो नहीं हो पाया, तो अब थोड़ी देर में वो सारा काम कर लेंगे। अभी फिलहाल हम अपना खाना खा लेते हैं एंड देन कोबर लिखना है हम लोग में, तो वो बड़ी मम्मी आएंगे। उसके बाद पेंट कलर चार्ट पेपर सारा कुछ है, बस उसको पेंट करेंगे। ओके, तो जब तक बाहर निधि का सारा चीज़ हो रहा है, तब तक हम सोचे यहाँ पे क्यों ना हम बैग पैक कर दे। तो यहाँ पे ऑलरेडी हम एक चीज़ निधि का पैक कर चुके हैं, लाइक निधि का और मेरे दोनों का ये सारा सामान ऑलरेडी पैक हो गया। वहाँ पे निधि का साड़ी है जो कि अगर वो चाहेगी तो पहनेंगे। बाय द वे, जो हम सूट लिए थे पहनने के लिए शादी के बाद, क्योंकि लहंगा पूरा नहीं पहन पाएंगे, वो हम ऑलरेडी पहन लिए। तो अब हम भी सोचना है अब हमको क्या पहनना है, एंड देन उस हिसाब से ये पूरा बैग एकदम पैक करके रेडी कर देंगे ताकि लास्ट मोमेंट में जाते टाइम कोई भी हड़बड़ी ना हो। लोगों को 2 बजे यहाँ पर से निकल जाना था और अभी ऑलरेडी 2:15 2:30 हो रहा है और हम लोग अभी तक घर में। वहाँ पे भी जाकर सारा अरेंजमेंट देख रहे हैं, अभी तक घर से निकले भी नहीं। शादी वाले दिन हमारे यहाँ ब्राइड सिर्फ मीठा खाती है, तो इतनी गर्मी में हम लोग निकल गए थे उन लोगों के लिए नारियल पानी लेने। फाइनली हम लोग नारियल पानी लेते आए। कसम से हर एक चीज में इतना ज्यादा लेट हो रहा है। जो काम 2 घंटे पहले होना था वो अभी हो रहा है। हाँ बोलिए, बोलो। वही ना, घर जाएंगे तो पापा जी, बड़े पापा जी हमको सुबह ही बोले थे बेटी जाके बात कर लो। मेकअप आर्टिस्ट आ गई है, फोटोग्राफर लोग बोले जल्दी करने, अभी तक हम लोग को अभी हमको लगता है अभी और 1.5 घंटा लगेगा सारा काम होने में। अभी हम लोग वेन्यू पे आए सिर्फ और सिर्फ निधि का एक और आम महुआ बियाहना हम लोग में होता है समथिंग वो काम करने के लिए। तो हम लोग रूम देख रहे थे, मैं मेकअप आर्टिस्ट। रूम का काम खत्म हो गया, अब उधर वो लोग वहाँ पे सब कोई फंक्शन कर रहे हैं, मतलब जो भी होता है विध वगैरह वो सब वहाँ पे कर रहे हैं। तो बस वहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे सारा चीज़ देख लेते हैं सारा चीज़ कुछ हो रहा है कि नहीं। हम लोग एनीवेज इतना ज़्यादा लेट हो गया। ये देखिए अभी तक यहाँ पे आइल में फ्लावर्स भी नहीं लगा। अब घर जाएंगे, पापा जी से नंबर लेंगे डेकोरेशन वाले का और फिर उनको कॉल करके बोलेंगे। आइल में अभी तक कुछ भी नहीं लगा है। आई डोंट नो, मे बी शायद अगर वो लोग रियल फ्लावर्स लगाने का सोच रहे होंगे तो शाम को लगाएंगे, क्योंकि अभी तो शाम तो हो ही गया। बट फिर भी ओके। सो बैग पूरा पैक हो गया है, वो रहा दोनों लहंगा और अब हम लोग निकल। चल मिंकल, ये लो, ये पकड़ो मिंकल, अपना अपना कपड़ा पकड़ो। लड़का को अपना घर ही से ही फुर्सत नहीं हो रहा। हम चार्ज नहीं कर दिए कि इसको, अब बस अपना घर ही चाहिए। अपना घर ही का चार्जर रख लो, अपना चार्जर भी रख लो, इसी में रख लो खोल के। ब्राइड्स अपना खुद ही कपड़ा ले रही है। सेंट ले लिया हम तेरा, हम एक वेनिला सेंट लिए लड़की वाला, वही तुम लोग निकलना। फाइनली अब हम लोग लोकेशन पे पहुंच गए हैं, बस थोड़ा बहुत काम है। हमको नहीं लगता आज मेरा कुछ भी हो पाएगा। लेट्स सी, सब मेरा मेकअप स्टार्ट होने वाला है। जयमाल और बाकी सारा चीज आ गया, हम इसको ना अभी यहीं पे रख दे रहे हैं। रुको तुम 2 मिनट रुको। मेरा मेकअप पूरा कम्प्लीट हो गया है एंड यार दिस इज माई ड्रेस। हाँ बस हेयर स्टाइल कम्प्लीट नहीं हुआ, बाकी सब कुछ हो गया है। बस अब हेयर स्टाइल नहीं होगा तो भी चलेगा, क्योंकि अभी हम लोग बहुत ज़्यादा लेट हो गए हैं और अब जा रहे हैं एंट्री सॉन्ग डिसाइड करने और इन लोगों को बताने के लिए। तो आप उनको वीडियो कॉल करके दिखाते बड़े पापा जी को? नहीं, किनको? अपने YouTube चैनल में हम लोग को भी लीजिएगा ना शादी वाले व्लॉग। हां ना, हां लीजिएगा लीजिएगा। बारात में डांस करने का इतना एक्साइटमेंट था कि ब्रेकफास्ट के बाद मैंने अभी तक कुछ भी नहीं खाया था, इवन पार्टी वाला खाना भी नहीं। और तो और हमारे यहाँ ब्राइड को छुपा के बाराती दिखाया जाता है, लेकिन डांस करने के एक्साइटमेंट में हम ये भी करना भूल गए।
तो बस हमारा बाराती डांस कंप्लीट हो गया था और अब दूल्हे को गाड़ी से उतार के स्टेज तक लेके जाने का समय आ गया था और बस थोड़ी ही देर बाद दुल्हन की एंट्री का भी समय आ गया था। और यहाँ मैं फोटोग्राफर भैया से कंफर्म कर रही थी कि अब मैं जा सकती हूँ कि नहीं जल्दी उतर जाने के लिए, क्योंकि उन्होंने ना मुझे स्टेज पे चढ़ने से पहले ही बोल दिया था जल्दी उतर जाने के लिए। जो मैंने सुबह ब्रेकफास्ट किया था शार्पी, उसके बाद अभी टाइम मिला तो अभी खा रहे हैं चाउमीन, उसके बाद बाहर जाएंगे और बाहर सारा डिनर करेंगे। जयमाल होने के बाद रात के 12 बजे समय आ गया था इन दोनों का कपल फोटोशूट का। दिखाइए एक बार ऐसे से, ये सर आपके जूते हो गए हैं, वहाँ आपका जूता हो गया गायब। जो चीज़ सबसे पहले होना चाहिए वो सबसे लास्ट, शादी जब खत्म ऑलमोस्ट होने को आया तब हो रहा है मेरा। गाइस ब्राइड्स में ड्यूटी इज वे टू डिफिकल्ट, टिश्यू लेना है हमको। अभी बाहर और भी बहुत सारा चीज़ हो रहा है तो हम सोचे थोड़ा देर यार अब आके रेस्ट कर लेते, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब लग रहा था तो हम आ गए रूम में और थोड़ी देर सोच रहे रेस्ट कर लें। एनीवेज यार सो अब तो बेसिकली घर जाएंगे एंड घर जाने के बाद आराम से सबको रेस्ट वेस्ट कर लेंगे, उसके बाद विदाई होगा। हम लोग यहाँ यहीं पर से डायरेक्ट विदाई नहीं होता है तो यहाँ वो एक बात है। एंड यप एक्चुअली ना हम कोशिश की कि हम थोड़ा बहुत ना BTS काइंड ऑफ चीज़ रिकॉर्ड करें, बट वो हो पाया नहीं हो पाया वो तो भगवान ही जाने, बहुत कम रिकॉर्डिंग कर पाया। एक्चुअली स्टार्टिंग में सोचते ऐसे करेंगे वैसे करेंगे वैसा करेंगे बट कुछ हो नहीं पाया। तो अब एक ही बार घर चले जाएंगे और आई डोंट थिंक मेरा मन करेगा फ़ोन उठाने का, क्योंकि मेरे फ़ोन का बैटरी डेड हो चुका है और हम नीति के फ़ोन से रिकॉर्ड कर रहे हैं। सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो, थैंक्स अ लॉट फॉर स्टेइंग ट्यून्ड टिल द लास्ट ऑफ दिस वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।